Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Makeup Artist Rupak Shayoni. आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ग्लैमरस सा पार्टी मेकओवर लुक. इस लुक को आप किसी भी ओकेशन पर्पस कैरी कर सकते हो. मैंने कैरी किया है ये लुक साड़ी के साथ. आप चाहे तो इस लुक को सलवार कमीज के साथ भी कैरी कर सकते हैं. सबसे पहले फेस को क्लीन करके मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर. थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरी फेस पे अप्लाई कर लूंगी मॉइस्चराइजर. अब मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी प्राइमर. प्राइमर के बाद मैं यूज कर रही हूँ एक स्ट्रोब क्रीम. आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो. अब अप्लाई कर लूंगी कंसीलर. जहां जहां मेरे फेस पे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई डार्क सर्कल हो, जैसे कि कोई पैचेस हो, उस जगह पर मैं अप्लाई कर लूंगी कंसीलर. अब एक स्पॉन्ज की मदद से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक का स्पॉन्ज. अब बारी है फाउंडेशन की. मैं यहाँ पर दो फाउंडेशन लिया है मेकअप स्टूडियो का और दोनों शेड को अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर लूंगी. मैंने जो दो टोन लिया था फाउंडेशन का, उसमें से जो था फेयर टोन, उस टोन को लेकर मैं हाईलाइट कर रही हूँ मेरे फेस को. मिस क्लियर की आईब्रो किट से मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी. मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर ब्राउन कलर. अब आईब्रो को अच्छे से शार्प कर लूंगी. अब यूज कर रही हूँ पाउडर. मैंने लिया है RCM का नो कलर पाउडर. कोई भी स्किन टोन में आप ये पाउडर यूज कर सकते हो. ये पाउडर आपको कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं देता, सिर्फ आपका बेस अच्छे से सेट कर देता है. आई शेडो करने से पहले मैं अच्छे से अपनी आई बेस को डन कर रही हूँ.
आज का जो आई शेडो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, 3 स्टेज में ही वो आई शेडो आप कोई भी कर सकते हो। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ मॉर्फी 39A पैलेट। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ब्राउन टोन, आप कोई भी टोन ले सकते हो। स्टेप 1, आपको एक कलर लेना है और अपने आई लीड पर डाल के उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। सेम कलर लेकर मैं थोड़ा सा और डीप कर रही हूँ और सेम कलर को ही मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। स्टेप 2 में एक ब्लैक कलर लेना है और उस ब्लैक कलर को अच्छे से अपने आई शेडो के साथ ब्लेंड करना है, पर कलर को अच्छे से क्रीज लाइन तक ही ब्लेंड करते रहना है, उसके ऊपर ब्लेंड नहीं करना है। अब मैं ले रही हूँ एक कॉपर शिमरी टोन, उसको अच्छे से आई लीड पर डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शिमरी टोन ले सकते हो। इस 3rd स्टेप को करने से ही कंप्लीट हो जाएगा आपका आई मेकअप। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ एक मस्कारा। अब मैं ले रही हूँ एक हाइलाइटर और उस हाइलाइटर की मदद से मैं हाइलाइट कर लूंगी मेरी आई की हाई पॉइंट, इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन। कंटूरिंग पाउडर की मदद से कंटूर कर लूंगी मेरे फेस को। अब यूज कर लूंगी ब्लशर। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आई मैजिक का ब्लशर। पहले जो मैंने हाइलाइटर यूज किया था उस हाइलाइटर से ही मैं हाइलाइट कर लूंगी। अब एक लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। लिप लाइनर से अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी मेरी लिप को। अब मैं ले रही हूँ डिलेंसी लिप पैलेट, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा लिप पैलेट है और प्राइस में भी ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है। सबसे लास्ट में मैं यूज कर रही हूँ आइकॉनिक का सेटिंग स्प्रे।
मैं अपने बालों को लाइट कर्ल किया है और उसके साथ मैंने पहना है ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और एक ब्लैक बिंदी। तो कैसी लग रही हो मैं, प्लीज कमेंट करके बताना, और अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलना। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज के लिए टाटा।